को बता चुके हैं कि हमें पॉजिटिव एश्योरेंस मिला है और एक मिनट जो भी समस्या हम लोग अपना अपना जो कंप्लेन दर्ज करा के आए हैं उस पर काम भी होगा और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस और चीज़ों को गंभीरता से लिया गया है। परेशानी है क्षेत्र में, हम लोग खटने वाला विधायक है तो कितना चमकेंगे पांडे जी। क्षेत्र में हमारा जितना काम है उस काम के हिसाब से हमारे चेहरे में चमक है। ज्यादा काम है, ज्यादा खटने वाले विधायक है तो ज्यादा चमकीले नहीं दिख रहे हैं। इसी वजह से आप दिल्ली नहीं गई थी या फिर आपको लगा कि मांग गलत है? नहीं, यही वजह है, हमारे जो समस्याएं थी, परिस्थिति थी, उसको हम लोग सामने रखे थे, मगर साथ ही साथ इसको अपने क्षेत्र के किसानों को इस तरह से अकेले छोड़ के जाना हमको उचित नहीं लगा, क्योंकि हमारे किसान जब जो सुखाड़ की स्थिति थी उसके साथ ही साथ अभी जो ओलावृष्टि का परिस्थिति से भी गुजर रहे, वो ऐसे बीच में उनके साथ रहना जरूरी था। बजट सत्र में क्या नाराजगी आप लोग की खत्म हो जाएगी या उसको दबा के रखेंगे या उसका? नाराजगी तो है और नाराजगी आज भी जायज़ है और इसका तो डेटा भी है। बताइए ना, कृषि विभाग में 16% बजट के ही खर्च हुए हैं, यही सब तो हमारी नाराजगी थी ना कि काम नहीं हो रही है, और उसके तो अब आंकड़े भी आ रहे हैं कि आप कृषि विभाग में मंत्रालय में देख ले, 16% 100% से 16% आपने खर्च हुआ है, तो इसका जवाब दे तो देना होगा ना सरकार को। देखिए, सभी सरकार चाहती है कि जो बातें उनके मैनिफेस्टो में उसको डिलीवर किया जाए, हमारा भी चाहत है, साथ ही साथ अपने क्षेत्र में जो मूल रूप से समस्याएं हैं उनका निदान हो, ये हम चाहते हैं। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे जो रोड हम लोगों के तरफ से जो वादा किया गया है जनता को उसकी बात हो, अस्पताल में डॉक्टर देने की बात हो, शिक्षकों का वहाँ पे रोजगार का बात हो, शिक्षक नियुक्ति का बात हो, तमाम चीज़ों को पूरा करे सरकार। 4 महीने भी 5 महीने भी है, इच्छा शक्ति की बात। हम 14 साल जो है मोटरसाइकिल में गरीबों का सेवा किए क्षेत्र में, और हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक गरीब दलित का बेटा को टिकट दे के राज्य में सचेतक बनाया है, तो राज्य मंत्री का दर्जा तो हमको मिला है। लेकिन वैद्यनाथ राम के साथ जो हुआ, एक चीज सोच लीजिए, विपक्ष का जो बोलना है आप लोग समझ सकते हैं, वो लोग हमेशा विरोधी करना जानता है, अच्छा काम करना नहीं जानता है। 16-17 साल शासन किया, यहाँ कितना अच्छा काम किया झारखंड के जनता जान रही है। लेकिन वो कह रहे हैं 14-15% हम आबादी है दलितों की, फिर क्यों नहीं कैबिनेट में साथ बैठ सकते हैं? छोटे जाति से आते हैं, इसी वजह से हम तो बैठ रहे हैं कैबिनेट में। आप नहीं बैठ रहे? एकदम बैठ रहे हैं, विधानसभा में बैठ रहे हैं। हम लोगों ने जो भी कमिट किया है उसको बारी बारी से उस पर शुरुआत की है। अंतिम बजट है तो अंतिम काम भी जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में डाला है वो हो पाए, हम लोग का प्रयास होगा। आप देख रहे हैं कि कितने जन कल्याण की योजनाएं, सर्वजन पेंशन ने इतिहास रचा है झारखंड में, और अभी अबुआ आवास की जो योजना है, तो जो झारखंड के सब अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी उसको पूरा करने का सरकार हम लोग के काम कर रही है। लेकिन विपक्ष अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।